प्रदेश के परिवहन और राजस्व मंत्री ने ऐलान किया है कि जल्द वचन पत्र के अनुसार हर गांव में गौशाला का काम शुरू हो जाएगा। साथ ही गोविंद सिंह राजपूत ने एक बार फिर नौकरशाही को चेताते हुए कहा है कि प्रशासन को हमारे अनुसार चलना होगा। जो भाजपा के रंग में रंगे हैं, अब वो हमारी सरकार के रंग में रंग जाएं। गोविंद सिंह राजपूत ने किसान कर्ज माफी में हो रही गड़बड़ियों के पीछे 15 साल की सरकार को दोषी बताते हुए सहकारिता को महा घोटाले के रूप में बताया है। साथ ही इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई होने की बात भी की है। वो उजागर नहीं होते अगर हम लोग ये ऋण माफी योजना चालू नहीं करते। ऋण माफी चालू हमने की तो है, पता लग रहा है किस बैंक में किसी में हमने एक लिया, उसने 1000 का लोन है, उसका 2 लाख हो गया। नहीं, इसकी जब समीक्षा हुई तो सागर का परफॉर्मेंस नहीं माना गया। इसमें कलेक्टर ने बहुत लोगों को सस्पेंड किया है, बहुत के लिए इसमें नोटिस जारी किया और हमने स्ट्रिक्ट रूप से कहा है कि जहां भी शिकायत पाई जाती हमें किसी को बख्शना नहीं है। वो किसी नेता का आदमी हो, कितना पावरफुल आदमी क्यों ना हो, हम उसको बख्शेंगे नहीं। हम किसानों के साथ हैं, गंभीर है इस मामले में। परिवहन मंत्री ने 4 घंटे की सागर में प्रशासन की एक मैराथन बैठक ली। साथ ही किसान कर्ज माफी में हो रही गड़बड़ियों की जांच करने के आदेश दिए। मंत्री ने बताया कि हमने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वह सरकार के वचन पत्र के अनुसार काम करें। जो 15 साल में हुआ है उसे छोड़ दें। भाजपा का चोला उतार कर सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचाएं। मैंने ये भी कहा अधिकारियों से कि पिछले 15 साल में क्या हुआ मुझे इससे कोई मतलब नहीं। सरकार बदल चुकी है, नई सरकार के साथ में आपको चलना होगा। जो हमारी सरकार की प्राथमिकताएं हैं, जो हमारी सरकार का वचन पत्र है, उस वचन पत्र को हमें पूर्ण करना है। लोकसभा चुनाव पर मंत्री का बयान है कि हम इस बार एक बेहतर कोशिश करेंगे और मध्य प्रदेश में कम से कम लोकसभा की 20 सीटें लाएंगे। क्या सफलता मिलेगी, कितनी उम्मीद है आप? देखिए, अभी प्रत्याशियों का चयन हो रहा है। प्रत्याशी के चयन होने के बाद में हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी सागर ही नहीं, मध्य प्रदेश से कम 20 सीटें हमारी आए। और बदलाव है और ऋण माफी का हम लोगों का भी फायदा हुआ है। किसी मंत्री या सरकार का यह स्टाइल होना चाहिए कि वह नौकरशाही पर नियंत्रण रखे। यही एक बेहतर लोकतंत्र की निशानी मानी जाती है। राम खान के साथ शंकर विश्वकर्मा, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।